हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम से, क्योंकि अपडेट वीडियोस ऑसम होते हैं। यस, मेरे को पता है। सो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं स्नीक पीक हैशटैग 1 जून अपडेट। और आज के अपडेट में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एंड उससे भी कुछ धमाकेदार चीज़ें हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। आपको पता है स्नीक पीक जब भी आता है एक से तो काम नहीं बनता अपना, एटलीस्ट 2-3 स्नीक पीक्स होते हैं, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब होगा तभी आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, लाइक शेयर सब जो भी आपका मन करे, चुम्बेश्वरी सपोर्ट दिखाना। एंड चुम्बेश्वरी सपोर्ट की बात चली रही है गाइस, तो फटाफट कुछ भी इन गेम परचेस करते हो जाके ADDA अड्डा कोड शॉप में डाल दो, कुछ भी परचेस करते हो तो भाई ये सपोर्ट बनता है गाइस। चलो सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पे गाइस जो नए लेवल के डिफेंस आ रहे हैं, यस 3 नए लेवल के डिफेंस बिल्डिंग्स आ रहे हैं, विजिट टावर, एयर डिफेंस एंड उसी के साथ आर्चर टार्स। तो मेरे को पता है इससे भी बहुत पहले कुछ वीडियोस आ चुके हैं जहाँ पे हमने डिस्कस करा इन चीज़ों को। और उसी के साथ 2 ट्रैप्स हैं, एक हो गया हमारा सीकिंग एयर माइन और दूसरा हो गया हमारा बम, एयर बम। तो ये अपग्रेड्स के नए लेवल्स आ रहे हैं। चलिए फटाफट सबसे पहले स्टैट चेक कर लेते हैं, बहुत कुछ बचा अभी भाई, थोड़ा मैं बस को दिखाता हूँ, ये देखो ठीक है, बाद में बताऊंगा डिटेल्स में। ओके, सो एयर बम, सबसे पहले एयर बम का अगर हम डैमेज देखें तो वो अब 290, मैं आपको चार्ट्स दिखा दूंगा स्क्रीन के, बट फिर भी हम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उनका जो डैमेज है मैक्स, जो एयर बम का डैमेज है वो 290 डैमेज पर सेकंड, नहीं टोटल डैमेज ही होता है वो। और एयर सीकिंग माइन का जो टोटल डैमेज है वो अब हो जाएगा 2400, बहुत ही डेडली है भाई, बहुत ज़्यादा। अब चलिए विजिट टावर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो अभी बल्क में जितने भी अटैक्स होते हैं आपको पता है कि नए लेवल के ट्रूप्स के साथ थोड़ा पावर भी चाहिए होगा डिफेंस को, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो विजिट आके नए लेवल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लालो में अब थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि विजिट आके नए लेवल आ चुके हैं। हाइब्रिड में हॉग्स माइनर्स को थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि विजिट टावर का नया लेवल आ चुका है। तो ये रहा हमारा विजिट टावर का नया लेवल, और डैमेज पर सेकंड जो है 90, हिट पॉइंट 2900 वगैरह, बाकी सब स्टैट्स तो सेम है। अब चलिए आते हैं फटाफट एयर डिफेंस, और एयर डिफेंस का नाम सुन के सबसे पहले किसकी फटती है बताओ। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, पहला सबसे पहला तो हो गया हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, दूसरे हो गए हमारे नॉर्मल वाले ड्रैगन्स, और तीसरा बात करूं तो फिर हाउंड या फिर बलून्स। ठीक है, तो एयर डिफेंस जो है वो अब लेवल 12 में मैक्स होगा, एंड इसकी जो डैमेज पर सेकंड है वो 480 है, बहुत ज़्यादा। यस, बहुत ज़्यादा, हिट पॉइंट 1600। अब फाइनली हम आते हैं आर्चर टार के ऊपर, तो आर्चर टार का जो है वो मैक्स डैमेज, मतलब पीक डैमेज है इसका 140, मतलब पीक डैमेज तो इन्फर्नो डार्ट्स का होता है, कोई नहीं, डैमेज पर सेकंड 140 होने वाला है, हिट पॉइंट जो है वो 1700 होने वाला है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। और अगर हम इसको गियर करें, आई डोंट नो गियर करने से क्या होगा, नहीं है ऑप्शन, नहीं है मेरे पास, खत्म। ओके, अब फटाफट आते हैं अब अपने और स्पेशल चीज़ों पर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, वो है नए ट्रूप लेवल्स। आपके स्क्रीन पे 3 नए ट्रूप्स जिनके नए लेवल आने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रो ड्रैगन, मेरे को पता है सबके मुंह में एक बहुत बड़ी स्माइल आ चुकी है ऑलरेडी कि भाई आ गया नया इलेक्ट्रो ड्रैगन लेवल। यस, ऑब्वियसली उसी के साथ ड्रैगन का नया लेवल, और ड्रैगन का नया लेवल एकदम डोप है, मतलब इसका जो कलर कॉम्बो है भाई साहब एकदम डोप, मतलब ग्रीन, डार्क ग्रीन के साथ रेड जो लग रहा है ना, एकदम पवाल लग रहा है। एंड उसी के साथ लून का एक नया लेवल आ गया है, विच इज़ सो ऑसम। लून का नया लेवल भी दिखने में काफ़ी धांसू है, और सारे के सारे ट्रूप्स जो है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अब चलिए मैं आपको फटाफट इन ट्रूप्स का जो स्टैट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रैगन्स की, जो नॉर्मल वाले ड्रैगन्स हैं वो हम देखेंगे तो यहाँ पे डैमेज पर सेकंड जो है वो 350 है, हिट पॉइंट जो है वो 4500 है, एंड ट्रेनिंग कॉस्ट जो है उनकी वो है 26,000 एलिक्स। अब नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें इलेक्ट्रो ड्रैगन, इलेक्ट्रो ड्रैगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डैमेज पर सेकंड 360 हो जाएगा, एंड डैमेज व्हेन डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई भी इलेक्ट्रो ड्रैगन जब मरता है उसके बाद जो लाइटनिंग गिरता है उसके एरिया में वो हो जाएगा 630 डैमेज देगा, और हिट पॉइंट इसका होगा 4800, एंड उसी के साथ ट्रेनिंग कॉस्ट जो होने वाला है वो है 44,000 डार्क एलिक्स। 44,000 ही है ना, हाँ 44,000 डार्क एलिक्सर बोल रहा हूँ, एलिक्सर, ओ भाई साहब ये क्या बोल दिया मैंने। अब फाइनली लून की बारी आती है, और अगर हम लून को देखें तो जो मैक्स लेवल का लून है उसका डैमेज पर सेकंड अप 276 हो जाएगा, एंड उसी के साथ डैमेज व्हेन डिस्ट्रॉयड 352 और हिट पॉइंट 1040, एंड उसी के साथ ट्रेनिंग कॉस्ट होने वाली है 6500 एलिक्सर। तो ये इनके स्टैट्स रहे, और आई एम श्योर गाइज कि आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे हो कि भाई इनको यूज़ तो करो। यस, इनको यूज़ तो करो, कैसे यूज़ करें इन्हें,
और नहीं कैसे तो पता है सबको, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस वो लाएंगे। अब देखो भाई एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, सच में सच्चाई ये है कि जैसे अपडेट आएगा बहुत लोग क्या करेंगे ना, हैमर्स और बुक्स यूज़ करके फटाफट ट्रूप्स को मैक्स कर लेंगे, बट डिफेंस को मैक्स करने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये सच्चाई है, यस ये मेरे साथ भी होने वाला है, क्योंकि जैसे अपडेट हिट करेगा मैं तीनों के तीनों ट्रूप्स एक ही वीडियो में, मेरे को पता है वो वीडियो आप देखना चाहोगे तो उसके लिए सब्सक्राइब करो और वेट करो, तो तीनों ट्रूप्स मैं एक साथ मैक्स कर डालूंगा एक ही वीडियो में, दो हैमा एक बोक, मतलब सबका जुगाड़ है भाई साहब, तो सब कर लेंगे। तो होगा ये कि जितने भी मुझे बेसिस मिलने शुरू करेंगे उनके तो सारे डिफेंस मैक्स नहीं होंगे, क्योंकि डिफेंस मैक्स करने में ऑब्वियसली आपको पता है चार एयर डिफेंस, इतना सारा विजिटर्स, इतना सारा आर्चर टास्क, अभी तक टाउन हॉल 14 में जो पहले डिफेंस आए थे वही मैक्स नहीं हुए हैं, तो उनके ऊपर से और, तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बहुत सारे ट्रिपल्स देखने को मिलेंगे, यस, क्योंकि एयर डिफेंस सारे मैक्स करने में, सारे आर्चर टास्क और विजिटर्स मैक्स करने में कम से कम 2 महीने लगेंगे भाई, कम से कम 2 महीने, ज़्यादा भी लग सकता है बट कम से कम 2 महीने, तब तक भाई कौन रुकेगा ही नहीं, मज़ा आएगा। सो हाँ, मेरे को पता है आप लोग चाहोगे कि मैं इनके साथ कुछ अटैक्स वगैरह करूँ, बट उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो, ये वाले वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक ही रखते हैं, एक डिफरेंट वीडियो बहुत जल्द, ये वीडियो आप जब देख रहे होगे कुछ इसके कुछ घंटों बाद ही मैं एक वीडियो पब्लिश करूंगा जहां पे मैं 2 अटैक करूंगा, एक इलेक्ट्रो ड्रैगन, एक ड्रैगन, ठीक है, 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3 अटैक करूंगा, जहां पे हम सारे इन तीनों के नए लेवल के ट्रूप्स की कैपेसिटी और उनकी कैपेबिलिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मेरे को पता है आप लोग बोल रहे होगे कि भाई हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है, कल के वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप सोच के देख के बोलोगे कि भाई मज़े दिला दिया यार, मज़े बिल्कुल मज़े दिला दूंगा कल के वीडियो में। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं गाइज, आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहें एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद बाय। ओके गाइज, सो लेट्स गो, अब अटैक करेंगे इस वाले बेस पे, एंड प्लान अपना ये है कि ये जो सिंगल इन्फर्नो देख रहे हो ना, यहाँ पे हमें ड्रॉप कराना है ब्लिम को, ताकि ईगल और शायद से सीसी, टाउन हॉल एंड क्वीन, एनिमी क्वीन भी मिल जाए, नहीं ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, क्वीन मिल गई, परफेक्ट। ओके सो सुपर विजर्ड सारे खत्म, एंड ये अपनी क्वीन को आई थिंक उससे पहले हम अपने ड्रैगन्स को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, सारे ड्रैगन्स जाएंगे यहाँ पे, ये जाएगा और क्वीन जाएगी फाइनली यहाँ पे, एक रे जाएगा एंड उसी के साथ आ जाएगा हमारा वार्डन एबिलिटी, नाइस। ओके सो अब प्लान ये है कि बैक साइड, बट दिक्कत एक ही है वहाँ पे एक्सबो जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेट्स सी क्या होता है। किंग जो है वो उस तरफ जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अभी मुझे टैंक मिलेगा एक्सबो के लिए, तो मैं यहाँ पे रॉयल चैंपियन को सेंड कर देता हूँ, दिस इज लुकिंग नॉट गुड गाइस, बट कोई नहीं, ये तो एक टेस्ट बिल्ड में हमने अटैक किया, बट जब गेम में आएगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया गाइज, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इनिशियल डेज में डिफेंस जो है वो मैक्स नहीं होंगे, बट आपके ट्रूप्स जो है वो आप फटाफट मैक्स कर सकते हो।